अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और खैर खैर से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह जी, व्लॉग हमारा हो गया स्टार्ट और टाइम है अभी सुबह 11:30 बजे का। तो फाइनली इस टाइम जो है ना हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया। ये क्या हुआ जी? इधर किसने धुआं लगा दिया? ये हमारी गली के सामने ही किसी ने धुआं लगा दिया यार। ये कौन सा सीन है भाभी? इधर किसने धुआं लगा दिया? ये हमारी गली के सामने किसने धुआं लगाया? मैंने। क्यों? हाँ, सारा कचरा पड़ा था और यहाँ पता नहीं किस चीज के ऑन पर कि कुत्ते डर रहे थे। तो अब धुआं तो घर में आ रहा है ना गंदा। हाँ, ये तो है। फिर गंदगी मतलब अपने घर में है ना? नहीं, मैंने तो बाहर लगाया धुआं। तो वैसे आपने तो बाहर लगा दिया। जैसे हवा होती है, हवा तो हर किसी को लगती है, धुआं भी लगता है। वो तो ठीक है भाई, अगर गली में अगर आप लोग मतलब किसी कचरे को आग लगाओगे तो साफ दे रहे, उसके जो जरासीम होंगे, उसका जो धुआं होगा वो तो घर में आ रहा है अपने। हाँ, ये तो बात याद भी नहीं। इसका मतलब फिर हम खुद भी बीमार हो रहे हैं ना। दिमाग का अगर इस्तेमाल करें ना तो बहुत कुछ हो जाता है। अगर बगैर दिमाग के काम करें ना तो कोई काम जो है ना ठीक नहीं होता। सुबह आपने मुझे नाश्ता दिया, उसके साथ पानी नहीं था। भूल गई थी ना, चाय भी मांग लिया। उस वक्त तो कम से कम इंसान को इतना पता होना चाहिए कि नाश्ते से पहले, खाने से पहले ना बंदा ना पहले पानी दे, ठीक है ना, बाद में नाश्ता दे। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, तो बरए मेहरबानी इनको सुधारें और बाकी जो फजूल टेंशन है दिमाग में उनको निकालें। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो काम की चीज़ होती है, जो काम की बात होती है, अक्सर हम उसका उस बात को जाना छोड़ देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ये फजूल है, लेकिन वो हमारे लिए काम की होती है। लेकिन जो हमारे लिए काम की भी नहीं होती, फजूल बातें होती हैं, वो हम जो है ना दिमाग में रख लेते हैं। हम उसकी टेंशन ले 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 के पता नहीं किधर ही पहुँच जाते हैं, ठीक है। ऐसा ना किया करें, जो काम की बात है ना उसको बंदा जहन में रखे, और ये काम जो ना होना है और ये काम का ज़बरदस्त काम है इसको जहन में रखे। जो फजूल बातें हैं, फजूल काम है, फजूल लड़ाई झगड़े हैं, फजूल मतलब ऐसे जो है ना है काम, उसको जहन में रखो ही ना, वो इधर से सुनो और इधर से ख़त्म, ठीक है जी। तो किधर गए हैं मुंशी भाई? आज कपड़े शपड़े धो रहे हैं मुंशी भाई अपनी ड्यूटी पे? अच्छा, शुक्र, चलें जी। मुंशी भाई तो चले गए अपनी ड्यूटी पे। अच्छा जी, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट होती है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, रोज़ बोलता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी क्या होती है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिलती रह जाए, ठीक है ना। और आप लोग जो है ना हमारा ब्लॉग देख के इन्जॉय करते रह जाए। सीन कुछ यूँ है, मेरे पास जो है ना किसी की अमानत आई हुई थी एक बंदे की, वो भी जो है ना आपको मैं बताते चलूँ वो किसकी अमानत थी। वो जो हमारा जवेद भाई ने था, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी भी हॉस्पिटल में दाखिल है, ठीक है ना। उनके लिए कुछ छोटा सा छोटी सी मतलब अमानत आई थी, तो उनके घर तक मैंने पहुंचानी थी अभी, क्योंकि वो तो बेचारा हॉस्पिटल में है, लेकिन वो है भी घर में अकेला करने वाला, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, और उसकी बीवी घर में रहती है। तो उसके घर में जो है ना वो अमानत मैंने पहुँचानी है थोड़ी देर के बाद। तो ये जो है ना सीन है, और यहाँ पर देखें लोग ट्रैक्टर श्रैक्टर लेके ना मिट्टी शिट्टी उठा रहे हैं, ये देखें। ये हमारे गांव से ना ये जो ज़मीनें हैं ना, जब इनको पानी बंदा लगाता रह जाए, पानी शानी जैसे लगाते रहते हैं ना, फिर इनकी जो है ना मिट्टी जो है ना ऊपर थोड़ी जी मतलब ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। मिट्टी जब ज़्यादा होती है ना, तो फिर उसकी वजह से जो है ना ये ज़मीनों के मतलब ज़मीनें ऊपर हो जाती हैं, जिसमें जो है ना मतलब रादी आबादी का मसला होता है। जैसे कोई चीज़ फिर बोते हैं ना, उसके उसको पानी शानी लगाने के लिए मसला होता है। तो इसी वजह से लोग फिर क्या करते हैं, फिर जब ज़मीनें ऊपर हो जाती हैं ना, तो फिर लोग ना उसको प्लान करवा देते हैं, उससे ना मिट्टी जो है ना उठा लेते हैं, ठीक है ना। मिट्टी उठा के ना फिर उसको लेवल कर देते हैं, ठीक है ना, और वो जो है ना नीचे हो जाती है। अब ये देखिए ना, ये हमारा वाटर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को आइडिया लगा देता हूँ, ये हमारा है वाटर, ये देखो कितना गहरा है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये ज़मीन है, ठीक है। अब ज़मीन ऊपर है, अब इस ज़मीन को अगर पानी लगाना हो, इस फसल को पानी लगाना हो,
तो फिर अगर यहाँ से पानी आएगा इस वाटर में, तो इधर से अगर हम लगाएंगे ना तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना वो फिर क्या करते हैं, अपनी ज़मीनों को मतलब थोड़ा नीचे कर देते हैं, मिट्टी मतलब उठवा के ना इसको नीचे कर लेते हैं, ताकि फिर ज़मीनों को पानी जो है ना आसानी से लग सके। फिर इसमें जो है ना ज़मीनों में जो है ना ये डाला जाता है, ये समझो एक ज़मीन की मतलब खुराक है, जो मतलब ये नहीं होते जानवरों की गोबर वगैरह, और जो मतलब ये चीज़ें होती हैं ये फिर मतलब डाली जाती हैं ज़मीनों में। इससे जो है ना क्या होता है कि ज़मीनें जो है ना कूली हो जाती हैं, जिससे मतलब फसल जो है ना बहुत अच्छी जो है ना लगती है, क्योंकि उनकी फसल की जड़ें जो होती हैं ना वो कमज़ोर जड़ें होती हैं फसलों की, ठीक है ना। वो फिर जब मिट्टी कोई गीली हो जाती है ना, मतलब वो नीचे से, ठीक है ना, तो उनकी जड़ें आसानी से चली जाती हैं, फिर पौधा जो है ना ऊपर अच्छे तरीके से जो है ना निकल आता है, ठीक है। तो ये सीन है, ऐसा सीन होता है, तो वो फिर फसल माशाल्लाह से अच्छी हो जाती है, ये सीन होता है। ओ गुल्लरा क्या है तेको भाई, रोके लोग घर जाते पहना वी यार, तू तमीज से क्या वी बदतमीज बने वी अजकल है, जाते पहने लोग ठीक हो, वैसे ठीक है बिल्कुल फिट। क्या देख रहे थे ये घर में से इधर? शहजाद भाई ने अपना, हाँ उसको देख रहा था। वो आ रहा है क्या, कहाँ जा रहे हो? दुकान पे। इधर ही फजूर लोम लोफरी, पहले किधर थे, अब कब आए? कब आए, बस हफ्ता हो गया। कहाँ था पहले? पिंडी पल्लेदारी पे। तो जहाँ पर ये सुहेल भाई है, वो अभी उधर है काम कर रहे हैं, आप मतलब वापस आ गए, सही है, चले ठीक है जी, सही हो गया। ओके मुंशी भाई की जो आजकल ड्यूटी लगी हुई है ना, वो क्या ड्यूटी आप लोगों को मैं बताऊं, ये जो कबूतरों के खोखे नहीं होते, ये देखें, ये अभी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये जो खोखे नहीं होते तो इनके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब यार इससे क्या हासिल होता है, कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल, मैं तो इस चीज़ को फजूल समझता हूँ। पेट्रोल बंदा मतलब खर्च करे और जो है ना अपने घर को ना देखे पीछे, क्या सौदा सूद सारा कुछ जैसे होता है सीन वो ना हो, तो ये फजूल काम करने का कोई फायदा ही नहीं। इस वजह से जो है ना मैं अपने भाइयों को बोलता हूँ कि यार कुछ एहतियात करें, कुछ अपने बारे में सोचें यार, अब शादीशुदा भी हो गए हैं, उनको बच्चे भी होने हैं उनके, कुछ सुधारें खुद को यार, लेकिन वो लोग सुधारते नहीं है यार, क्या करें। अब चलें जी, मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ जवेद भाई के घर में, क्योंकि उनके अमानत मेरे पास है, वो मैंने आज देनी है अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चों को, क्योंकि पीछे अभी वो हॉस्पिटल में दाखिल है, तो पीछे घर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अब वो अकेले बच्चे जो है ना क्या पता खा रहे हैं पी रहे हैं, नहीं खा रहे ना ही पी रहे, क्या कर रहे हैं वो तो सीन अब उनको पता नहीं है। तो अभी जाके ना उनका जो है मेरे पास अमानत है कि तो किसी ने दी है मुझे, किसी ने भेजी है, तो हमारी एक सिस्टर है आप ही है हमारी एक यूके से, उन्होंने भेजा है, तो उनके घर में जो है ना पहुँचा देते हैं, क्योंकि उनके पीछे बच्चे हैं, वो भी जो है ना कुछ अपना घर का जो है ना खर्चा वगैरह करेंगे। कैसा मिला रही? बिल्कुल सही है, मिला है, इन्हें गाल है ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, ये चंगी बात है, अच्छी बात है। और दूसरा जो मेरा मुलेरा है वो देखें सामने आ रहा है, वो बैल रेडी पे, इसको भी थोड़ा छिता करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, इसके साथ भी थोड़ा गपशप करते हैं ना। वैसे बेसिकली मैं पहुँच चुका हूँ, ये सामने घर है, इन घरों के पीछे जो है ना घर है, तो उधर जो है ना मैंने जाना है। और सरदार, सरदार क्या हाल है, ढिला क्या हुआ दिन सरदार हैं, ढिले तय दो खैर है, क्या वजह, खुद डाठा कुटी वेंदे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, क्या वजह बुखार कुटी वेंदे, बुखार तो कुछ छुड़ेंदा ही नहीं खुद, हाँ गुदा सुना हाल, तबीयत ठीक है, कि मैं हाल गुजर दे पेंदे रे, किधे गया मैं, ए किधे गया, ए से शौक है डांडरे चलावण दा, पढ़ाण दा शौक है नी, ओ यार इसको जूते लगाओ, इसको पढ़ाओ, नहीं जूते लगाए हैं, जूते लगाए हैं, फिर पता क्या, पहले लगाने चाहिए जूते, फिर लगाने चाहिए डंडे, फिर जो है ना जो जूते के नीचे कोके नहीं होते वो वाला जूते लगाने चाहिए, इसकी इसकी चोत पे लगानी चाहिए, ठीक है ना, फिर ये पढ़ेगा, वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा। मेहरबानी खुदा, आप जाओ, मेरा थोड़ा काम है, मैं उधर जा रहा हूँ, तो वो काम जो है ना करके आता हूँ। सामने आ गया हबीबुल्ला का घर, पहले जाएंगे हबीबुल्ला के घर में, उसके बाद जो है ना फिर हम जाएंगे आगे वाले घर में,
कॉल्स की आ रही है मेरे पास। चले जी चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़। ओ कुत्ते तक कह नहीं तुहाडे, ओ तुहाडे कुत्ते सुत्ते तक कह नहीं, कुत्ते कह नहीं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? पहले भोजन पा, मैं बाद में गलकड़ी, पहले पहले भोजन पा। वाह तैयार की कुत्ते कह नहीं, ये क्या है ने? हाँ कशानिया था, मेरे नाल आया खड़े कशानिया था। हाँ रोटी चाहिए खड़ा महीने वास्ते। क्या हाल है? ठीक वी तबीयत तेरी ठीक है? फिर तई करें दी पई ठीक, क्या करें दी पई? सवार मैं क्या सीमा? हाँ अपनी हाँ पर सर्दी लगती भी आजकल तेको। ओए 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 सर्दी पी लगती है अपने तो सबनी सीली थी। वाह जी वाह, अच्छा पाला कहना लगता हूं मतलब नाना जो कहनी हूं सवर। अच्छा हूं मतलब नाना जो कहनी वाला हुन तेको क्या देने वाला ए हुन कल्ले वास्ते सवड़ बना मैं आ के मैं सी देखा। अच्छा अरे अखी तेरे दीद ने पता नहीं लगदा। अच्छा सी देखा सी सकदियां जा कहना। अच्छा नानी मेरी जो है ना ये देखे ना रजाई सी रही है अपने लिए और वो भी अपनी, जितना आप खुद छोटी है ना रजाई भी उतना छोटी बना रही है, है ना? वल्ली खराब थी वाला, वैसे भी रजाई पहन के तू तो वहीं में इवें इवें थई पियोंदी में कहाँ कोड़ा थे पियोनी बोला कट्ठी थी वेनी। अच्छा अच्छा बे ठीक वदी तबीयत ठीक है? अभी बुलाने ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह देवारो खैर। असला मोनी चले गए ना दूजा ओ जड़ा ना कल चले गए, आज कह नहीं गया कल चले गए। ते जवेद होने दा हाल लियो कोई राबता शाबता था थोड़ा? ऑपरेशन थी बड़ा पता नहीं की झोलाई की ऑपरेशन करनी थी अल्लाह मेहरबानी की ठीक ठाक है। चलो अल्लाह पाक उसको सेहत दे, सब लोगों के लिए दुआ है क्योंकि ये है कि सीन अपना डॉक्टर ने जो है ना डराया एक बार, मतलब मुझे मुझसे बात हुई थी डॉक्टर से, उन्होंने बोला कि ये ना अब उसकी उसका जो वेन फटी थी ना दिमाग की उसका जो है ना खून रुक चुका है तो उसका जो है ना फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसको उसकी ब्रेन वगैरह वाश की है लेकिन उसके बाद जो है ना फिर कुछ देर के बाद बोला कि अभी कुछ ठीक है बेहतर है कुछ फिर वेट कर लेते हैं क्योंकि ऐसे एमरजेंसी में ऑपरेशन नहीं करना पड़ता बच्चे का तो उसको देख के जाना करना पड़ता है। चलो नानी तू अपनी ये रजाई सी, मैं थोड़ा जाया हम काम, ठीक है? मैं वो काम कर गी ना ठीक है, मैं आया हम जवेद दी घर वाली कने ठीक है। हाँ घर से जो लहा वाला मेरे नाल नानी गालियां भी देती है सब बार शबर तो सी गिनी अपने टाइम ते हाली जोल पहले उड़े हाँ। ये जो है ना देखे ना घर है एक, ये हबीबुल्ला का घर है, उसके बाद जो है ना यहाँ से छोटा सा रास्ता जाता है यहाँ पर पोल में टप्पा मरे थे क्या? अच्छा अच्छा पोल है, वाह सही वाह, एक पोल है वे एक पोल है वे, ये पक्का वाटर है दरमियान में, दरमियान में ये देखे ना पक्का वाटर है। अब ये जाता है रास्ता घर की तरफ से, ये है हमारी मस्जिद आगे ठीक है, तो इधर से जो है ना जाता है रास्ता, फिर यहाँ से मुड़ना पड़ता है। ये देखे छोटे छोटे रास्ते यार गांव के हमारे बड़े प्यारे रास्ते होते हैं यार छोटे छोटे माशाल्लाह।
चलें जी चलते हैं अभी, सामने गेट है। ये रहा घर, ये देख आई नहीं बदी, तू आके कह नहीं आई बदी, रुको आके जो पता नहीं आई कहना हो आई खड़ी है तो पता नहीं। अच्छा अच्छा मैं कहना नहीं थी। हाँ 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 सही गाल है। चलो तू हूं वाला घर में नहीं आई? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तू वाला घर में खिलती बदी वे खिलती बदी वे दादी तू चलो वाजो ने ते मैं वाला अंदर तू मां यहां का क्या ठीक है दुख देन मां ते कितना दुख देन कितना दुख दे तेरे दुख का तक पता। चलो ठीक है मैं अंदर पे हैं। चलें जी उनकी जो अमानत है वो देते हैं उनको। तो किधर गए हैं घर वाले सारे? पप्पू भाई हो गया, चाचा खादिम हो गया, किधे मरीज दे नाल सारे लांगन? वो तो पप्पू नहीं है ना, कौन कौन लांगन बे? अच्छा चलो ठीक है। चलो आपका घर उधर ही है वो सामने वाला, चलो आप उधर ही आ जाएं फिर। ये वाला जो है ना जवेद भाई का घर है, आप लोगों को मैं दिखा रहा था, ये वाला मेरे ख्याल में ये वाला कमरा जवेद भाई का है और उसके सामने ये घर देखें, ऐसे ही छोटी छोटी दीवारें गाँव की ये देख लें, बड़ी ज़बरदस्त। और ये नलका वगैरह ये देखें ना, ऐसे होते हैं गाँव टाइप के जो है ना घर। यहाँ पर दीवार तो नहीं दे सके, इतना फुर्सत तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लकड़ियाँ रख दी के लकड़ियाँ भी जो है ना दीवार बन जाएंगी। ये जो है ना घर है और वो सामने हमारा घर है, वो सामने वाला वो है, ये वो सामने मेरी गली नज़र आ रही होगी, वो वाला वो है मेरा अपना घर। तो ये जो है ना घर है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितना मेरे घर से जो है ना फासला है इधर, ठीक है ना, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा आ जाए आप ही, तो अभी आप ही को जो है ना देते हैं। बच्चे सच्चे किधर हैं आपके? अच्छा अच्छा ना एक आप ही है हमारी, ठीक है ना, उसने आपके लिए कुछ पैसे भेजे हैं, ठीक है, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है, ठीक है। तो ये ना आप जब तक जवेद भाई नहीं आते आप घर का कुछ खर्चा करें और कुछ पैसे जो है ना ये काम लगाएं, ठीक है। ये पकड़ें, ये कितने गिनती करें, गिनती आती है? हाँ कितने हैं? 3500 है। अच्छा चलो माशाल्लाह। चलो जी ये इससे गुजारा हो जाएगा कुछ दिन का जी, घर का राशन का कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा जी। चलो अल्लाह पाक आपको और दे इंशाल्लाह। तो ये जो है ना अमानत मैंने इधर पहुंचानी थी और मेरे पास एक और भी थी अमानत, वो भी आप लोगों को जो है ना बताऊंगा, ठीक है। आपने इससे अभी जब तक जवेद भाई नहीं आते ना आपने इससे घर का राशन करना है, ठीक है, तो मतलब जहाँ पर काम लगे आपने लगानी है, ठीक है, तो बच्चों शच्चों को भी जो है ना देना है खर्चा, ठीक है। ओए होए बेटे भी बीमार है? हाँ वो उसको चोटें वगैरह भी लगी थी ना, वो छोटी बच्ची को, वो किधर है अभी? इधर नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलें जी बेटे और वो जो जवेद भाई थे ना उनके साथ मैंने आपको बताया था छोटी सी बच्ची वीडियो भी बनाई थी, उसको भी चोटें थी इधर और मतलब जिस्म पे भी खराशें थी, लेकिन उनकी कोई चीज हड्डी वगैरह टूटी नहीं थी, अल्लाह पाक ने करम फरमाया। तो उनके जो है ना दवाई शवाई अभी नहीं ली? नहीं पैसे नहीं थे हमारे पास। ओए होए होए मुझे बता देती मैं दे देता, मसला नहीं है, मैंने तो कहा वैसे बच्ची की ट्रीटमेंट हो रही है, चलें इनसे दवाई भी ले लेना है बच्ची की, ठीक है, तो आपने कुछ घर का भी खर्चा कर लेना है, ठीक है ना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, टेंशन ना लें आप। चलें जी ये काम तो हो गया मुकम्मल, तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और भी काम है वो भी इंशाल्लाह बताता हूँ। ये काम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है मुकम्मल, तो उसके बाद नेक्स्ट काम मेरा ये था, कुछ मेरे पास पैसे थे जो हमारी ये सामने वाली मस्जिद है ना, तो इसमें जो है ना एक मुकम्मल जो पारे होते हैं ना, एक एक अलग अलग पारा होता है,
कुरान मजीद का, तो वो मैंने जो है ना ले कर जो है ना मस्जिद में रखने थे, तो वो मैंने उस्ताद के ज़िम्मे लगा दिए थे। मैंने कहा उस्ताद जी आपने शहर से ले आना है, पता नहीं है कि शहर से किस जगह से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा चले मैं ले आऊँगा। फिर मैंने उस्ताद को बोला कि मैं ना आपको पेमेंट कर दूँगा, लेकिन वो भी उस्ताद से जाके पता करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी जो है ना करते हैं। तो ये भी हमारी उसी सिस्टर ने ही भेजा है कुरान मजीद जो है ना उधर मस्जिद में पारे ले के जो है ना रखने के लिए, तो वो भी जो है ना मैंने रखने। तो अभी जवेद भाई का जो काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ठीक है बाजी, ओके, अल्लाह हाफिज़। खाना शाना बनाया है कि नहीं? नहीं बनाया है? आपको पता नहीं था आपका भाई आ रहा है, तो खाना शाना भी बना लूँ। चलो भाई को चाय पिला दूँ। चले कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था, ठीक है। खुश रहें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। चलें जी, यहाँ पर देखें ना निकले निकले चूचे, ये देखें। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। अपने बच्चों को साथ लेके घूम रही हैं, ये देखें कुकड़ियाँ, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके घूम रही हैं। वाह जी वाह। चलें जी फिर चलते हैं वापस। कितना है? ले आओ, बच्ची आई हुई है, बच्ची आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है। बुलाओ इसको, बच्ची भी मैंने कहा चलो दिखा दूँ आपको, बच्ची को मैं भी चेक कर लूँ कि अभी छोटे छोटे ख़त्म हो गई हैं कि नहीं हुए, तो वो भी जो है ना दिखा देता हूँ। बच्ची जो है ना रोने लग गई है, पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैंने फिर नहीं बनाई, बच्ची डर रही है मुझसे, इसी वजह से फिर रोने लग गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी नानी? ठीक है, तबीयत ठीक है, फिट है, माशाल्लाह। क्या कर दी बेटी था? अच्छा कर दी बेटी वीडियो है, तू भी अंधी रानी है? अच्छा तेरी वीडियो बने दे रहा? अच्छा 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 अच्छा, चलो ये जो है ना मेरी दूसरी नानी है, दूसरी नानी, ठीक है ना। जो नानी मेरी अभी थी ना वो नानी चन्नन, ठीक है ना, तो वो भी मेरे नाने लाल की बेगम है, और ये भी छोटी उसकी मेरे नाने लाल की बेगम है, क्योंकि मेरे नाने की ना हबीबुल्ला का जो अबू था ना उसकी दो शादियां थी, तो बड़ी बेगम वो है, छोटी बेगम ये है, क्योंकि बड़ी बेगम से औलाद नहीं हुई थी, फिर छोटी बेगम से जो है ना औलाद हुई थी, ये मतलब दोनों हबीबुल्ला की अम्मी हैं माशाल्लाह से। यार नानी ठीक है? तबीयत ठीक है? अच्छा नानी मैं आया हम जवेद घर, तो वो जवेद तब बीमार है, तो कुछ पैसे हैं घर के खर्चे वास्ते वो डेवन किते, तो वाल जी ना वो डे दीते मुन्ने को माशाल्लाह, तो कुछ जे तीन जवेद भी नहीं आते तो वो तक घर का कोई खर्चा पानी राशन करे से अल्लाह दे बारो खैर, तो बाकी इंशाल्लाह। बिया तुसा ठीक हो? तबीयत ठीक है? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है वाल इंशाल्लाह, जिंदगी तो मिलसू वाला है। हाँ खुश रही कर, खुश टेंशन गिन गिन ते देख किवे थी गई, हुन कमजोर थी गई, डाढ़ी कमजोर थी गई, टेंशन ता यम देन दुख दुख आवे ना डाढ़े डाढ़े, कोई नहीं, अल्लाह पाक दुख देंदे ता अल्लाह पाक सुख भी देंदे रंदे, अल्लाह मेहरबानी करे, शुक्र अल्लाह दे दर ते वालो जी। हां ठीक देंदे ते काट आई देंदे। हां ठीक है, अल्लाह दे वारो खैर। चलें जी, काम हो गया वो फाइनल मुकम्मल। तो दूसरा काम जो मस्जिद वाला था वो मैंने उस्ताद से जो है ना बात करनी है, बात करके ना फिर आप लोगों को जो है ना मैं बताऊंगा कॉल पे बात करके, ठीक है ना। आ नानी बात डड़ी पे शुरू थी पई? हाँ। अच्छा ठीक है वाला, मैं जुलदा पे घर, तू जुल दी? हाँ। अरे गाल सुन, गाल तो सुन, गाल तो सुन मेरी नानी, 100 रुपया ये, अरे अरे गाल सुन, 100 रुपया ते कुडे सा नसवार दे पैसे दे सा, टेंशन क्यों गिनदी पई? ते दूजी गाल ए है मेरे को ए दसा, तू घर जुल हैं, ते को मैं भात बना दे सा, भात डाले दा, डाले दा भात बना रे सा, खाओ से हैं, खाओ से डाले दा भात, कहना खाओ से हैं, कहने कंदे रंदी है गेन, ए गेन ई नहीं अखी ना कीती है ने ढेक गेन गेन पकड़ ई दसीना नहीं होंदा, तुली ता देख लिया, हां पकड़ गेन ई नहीं अखी ना कितनी है ढेक गेन, पता है तेरा वही नसवारा हो सन वही, हां जी हां पत्ती कितने दी? 3 रुपया पत्ती। हां ते वही पत्तियां हो सन, वही पत्तियां जी हां, हां जरे मौके वजे मेरे को दसी वाला ते नसवार गेन दे सन, ठीक है पक्की गल है, दसे से सोच गेन, हां दसी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, भला मिलसू इंशाल्लाह।
चलें जी ये काम फाइनल हो गया, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। ये देखें जी चल वे, यहाँ पर देखें ना गांव के, आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था गलियां होती है ना, गलियों के ये देखें दरवाजे नहीं होते लेकिन अंदर सामने पर्दा लगा हुआ है। क्या साडा साडा कौन बनवेनी है? अच्छा कुछ नहीं मैं चुप कर चुप कर। शायक रंजलू है तेरा अब्बू, तेरा अब्बू आके से बाले को शायक ही ना देना रे ठीक है। और दिखा खर जख्म दिखा। अच्छा बस 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 बस, ये जो है ना होती है गांव की मौजें, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया अभी ये सीन वगैरह सारा दिखाया, मतलब ऐसे होते हैं यहाँ पे कपड़े लगाए जाते हैं गलियों के सामने ठीक है ना। तो और दूसरी बात क्या कहते हैं उसको, जैसे मैंने दिखाया ना दीवार, अक्सर हमारे जितना भी गांव है ना, ये जितने भी हमारा बस्ती है, जितनी भी बस्ती है ठीक है ना, इसमें ना अक्सर मेरे हिसाब से तो अगर मैक्सिमम कोई 20-25 घर होंगे हमारे, तो इनमें से जो है ना 5 घरों के गेट होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, दो घरों के होंगे गेट, वरना नहीं है गेट। ये हमारी मस्जिद का गेट है ठीक है ना, ये माशाल्लाह देखिए। अच्छा सीन ये है मस्जिद का, कुरान मजीद का मतलब एक मुकम्मल कुरान मजीद होता है ठीक है ना, तो एक जो है ना एक एक पारा अलग होता है, तो वो मैंने लेने थे, एक एक पारा जो अलग होता है वो लेकर जो है ना जो मस्जिद में पढ़ाते हैं ना उस्ताद मौलवी साहब, तो मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा मैं ले आऊँगा फिर आपने मुझे पेमेंट करने देनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी उसको जाके पता करूँगा, अगर वो ले आया तो फिर मैंने उसको पैसे दे देने हैं ठीक है ना। अभी जाके घर पता करते हैं क्या सीन बना हुआ है घर का। तो जो मेरे पास अमानत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको दे दिए। इधर आया हुआ है घर आया तो मेरे ख्याल में ये आए हुए हैं। हेलो मुंशी किधर है वे? मुंशी कहाँ गए? मुंशी आएगा भी नहीं? आएगा अब शाम को, खुद रात को अब आएगा? नहीं अब छुट्टी थोड़ी देर तक आएगा। पक्की गाल है? क्यों? चलो उसको बोलना कि वो टिक्कियाँ नहीं मिलती जो उधर मिलती हैं, वो चाचा हमीद के छुहर से टिक्कियाँ नहीं मिलती जो जिसको रोटी के साथ खाते हैं, वो लेके आना रोटी खाऊंगी। सवेरे ले खा दी? सवेरे नहीं खाऊंगी, अभी खाऊंगी ठीक है। चले सब लोगों ने जवेद भाई के लिए दुआ करनी अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिस बहन ने उनके लिए ये सब किया है तो अपने इस बहन के लिए भी दुआ करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप ही ता दिल से, आपने इन गरीबों की थोड़ी सी मदद की है, तो अल्लाह पाक कबूल करे और अल्लाह पाक जो है ना उनके घर में आसानियां करे। और दुआ है कि जितने भी लोग बीमार हैं और जितने भी लोग इस तरह की मुश्किलात में हैं तो अल्लाह पाक उनको शिफा दे और अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियां दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन, सब लोगों ने दुआ करनी है जी। ओके जी अल्लाह हाफिज़ हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। आप लोगों को रोज़ रोज़ बोलता हूँ कि आप लोग 10K मेरे क्यों नहीं करवा रहे, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है यार, आप लोग कराओ और जल्दी से फ़ौरन क्या कहते हैं 10K करवाओ, 10K करवा के ना उसके बाद आप लोगों ने चर्चे देखने हैं भाई के, चर्चे देखना चाहोगे तो उससे पहले आप लोग 10K सब्सक्राइबर करवाओ। 10K कितने होते हैं पता है? 10,000 कराओ सब्सक्राइबर, उसके बाद जो है ना चर्चे देखने हैं भाई के। भाई आप लोगों का जो है ना आय हाय कमाल, ब्रांडली मजे की चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि हमारे गाँव में जो है ना ये चीज़ें भी होती हैं, और वो उन चीज़ों का जो है ना इंशाल्लाह मैं पार्टी करूँगा ठीक है। आप लोग देखेंगे कि यार ये कहाँ से चीज़ें ले आया है, आप लोग देख के परेशान हो जाएंगे। ओके हो गया जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं शाम के। ओके हो गया।